been seeing about revision. Now, today from today we are going to start our syllabus portion. First, myself Bhumika Parmar from Ashwami Vidyalaya, and we had seen some squares and square roots properties. So also seen their patterns. From today we are going to again connect it with our syllabus and starting with our exercise. So from in exercise 6.1 we are going to see some patterns or properties of squares and square roots and their uses. We have seen properties and patterns, so use of these patterns and properties are here. So let's start it. If you have any difficulty, please check above links so you can connect it with this and you can easily find the methods. So let's start it. First, exercise 6.1. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? यहाँ हम लोगों को क्या पूछा गया है कि ये जो हम लोगों को numbers दिए गए हैं, ये जो numbers हैं, उसका अगर हम squares करें, अगर हम उसको squaring करें, तो जो last digit है, unit digit, तो ये जो unit digit है, वो square, वो जो है, वो कौन सा number होगा? जो अगर हम लोगों के पास ये number दिया गया है 81, अब हम लोगों को क्या करना है? ये जो 81 है, उसका हम square करें और जो स्क्वायर करके जो लास्ट डिजिट आता है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो डिजिट कौन सा नंबर होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है. अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ तो 5 डिजिट तक के नंबर्स दिए गए हैं, 4 डिजिट तक के नंबर्स दिए गए हैं, तो उसका अगर हम स्क्वायर करें तो कितना जाएगा, कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा. लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट स्क्वायर करके उसका कैलकुलेशन नहीं करना, हम लोगों के पास इजीली मेथड है. जैसे हम लोग 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के स्क्वायर जानते हैं, तो उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. यहाँ पे सपोज हम लोगों को दिया गया है 81. अब ये जो 81 है इसमें से यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये वाला 1. अब ये जो 1 है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, right? तो ये जो 1 का स्क्वायर हुआ वो 1 हुआ, मतलब जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो 1 होगा. इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे उसके जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स हैं उसका हम स्क्वायर करें, और ये जो स्क्वायर करके जो स्क्वायर कर रहे हैं वो स्क्वायर जो आया उसका यूनिट नंबर कौन सा है, यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है वो बता सकते हैं. तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो नंबर हम लोगों को दिया गया है उसका यूनिट प्लेस नंबर कौन सा है, उसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसमें जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा. तो यहाँ पे सपोज हम लोगों के पास है 272. अब ये जो नंबर है उस पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो है 2. अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करें तो हम लोगों के पास क्या आता है, 4. तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज 4. फिर अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर 799. तो 99 का स्क्वायर हम लोग करें तो 99 का स्क्वायर क्या आता है, सॉरी 9 का स्क्वायर लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट हम लोग ले रहे तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81. तो 81 के जो यूनिट प्लेस में है वो क्या है, 1. तो अगेन जो हमारे पास नंबर है 799 तो उसका जो यूनिट डिजिट है स्क्वायर करके मैं आपको एक बार अच्छे से लिख के दे रही हूँ. 2 स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों के पास 4 होगा. सो हम लोग क्या करेंगे, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज
How much? Sorry. 272 is 4. फिर अपना नेक्स्ट वाला था 799 और लास्ट में था 3853. अब इसका इसमें से जो यूनिट नेक्स्ट है तो इसका हम स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें तो होता है 81. अब 81 के ये जो है 81 वो यहाँ पे भी दो डिजिट एक नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस है, तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो ये सारा नंबर जो है उसका स्क्वायर करके करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस होगा. तो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 1. ऐसे करके आप लोगों को ये सारे जो नंबर्स हैं उसके आप लोगों को जो यूनिट डिजिट है वो काउंट करने हैं. फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव द रीजन. ये जो सारे नंबर्स दिए गए हम लोगों को ये जो है वो सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ये हम लोगों को दिया गया है. तो फिर हम लोगों को क्या करना है, वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो उसका हम लोगों को रीजन फाइंड करना है. तो अगर आप लोगों ने एक बात नोट की होगी तो जो भी नंबर्स होते हैं स्क्वायर के तो उसमें 0, 1, देन 4, देन 5, देन 9, देन 6, तो ये जो है वो सारे नंबर्स होंगे तो इसी नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर होगा जो स्क्वायर नंबर्स में होगा. तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास जो दिया गया है वो स्क्वायर नंबर्स दिया गया है, मतलब कि जो नंबर्स है वो किसी न किसी का स्क्वायर है, लेकिन हम लोगों को यह बताया गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हम लोग ये जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो ये नंबर मिलेगा. तो वो क्यों नहीं है वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम लोग इसका यूनिट प्लेस देते हैं 1057. तो ये जो है वो इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, ये जो है 7 है. तो क्या होगा कि इसीलिए ये जो नंबर है वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम लोग क्या लिख लेंगे, द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स are from 0, 1, then 4, then 5, then 6 and 9. Here it is 7. So it is which 1057 is not